यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्रैक्चर जिसका नाम है फ्रैक्चर ऑफ द फेलेंजियस। तो पहले बात आते हैं कि फेलेंजियस क्या होते हैं। जो अपनी जो फिंगर्स होते हैं इनको अपन फेलेंजियस कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अपन तीन बोन्स अपन को देखने को मिलती है, 1, 2, 3। तो अपन फील करके भी देख सकते हैं कि 1 बोन है यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 और यहाँ पर जॉइंट जो यहाँ पर मूव करता है, ठीक है। ये 1 जॉइंट, 2 फिर यहाँ पर ऐसे 3 जॉइंट देखने को मिलते हैं। तो ये होती है फेलेंजियस। तो अब इस डायग्राम में देख सकते हो ये है मेटाकार्पल जो बोन, यहाँ पर ये 3 बोन अपन को देखने को मिलती है। तो ये वाली जो बोन होती है मेटाकार्पल बोन वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है इस वाले एरिया पर, और इसके नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कार्पल्स बोन, यहाँ पर मेटाकार्पल्स बोन आती है। फिर मेटाकार्पल्स बोन के ऊपर आती है 3 बोन जिनके नाम है प्रोक्सिमल फेलेंजियल जॉइंट, उसके बाद मिडल फेलेंजियल जॉइंट एंड डिस्टल फेलेंजियल जॉइंट। फिर इनके यहाँ पर जॉइंट भी है। तो ये वाला जो जॉइंट होगा ये होगा मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, उसके बाद जो ये वाला जॉइंट है ये है प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, एंड ये वाला जो जॉइंट है वो है डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, और यहाँ पर मेटाकार्पल बोन। तो ये हो गए यहाँ पर बोन, कौन कौन से बोन्स प्रेजेंट होते हैं फेलेंजियस के अंदर। उसके बाद आता है कि फ्रैक्चर अपन को कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। जो फ्रैक्चर है काफ़ी कॉमन फ्रैक्चर अपन को किसी भी एज ग्रुप के अंदर देखने को मिल सकता है। तो भी ये होता किस कारण से, मान लो जो अपना ये हैंड है, हैंड के ऊपर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है वो गिर गया, तो उस कारण से अपन को ये फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। या फिर क्रंसिंग ऑफ फिंगर्स हो गए तो उस कारण से भी फेलेंजियस का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो फ्रैक्चर है ये किस किस पैटर्न के अंदर हो सकते हैं, तो इसके वेरियस पैटर्न होते हैं। इसके अंदर अपन दो देखेंगे, एक तो है डिसप्लेस्ड पैटर्न एंड एक होता है अनडिसप्लेस्ड पैटर्न। तो मान लो ये अपनी एक बोन है जिसका फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर होने के बाद या तो ये डिसप्लेस्ड हो सकती है या फिर अनडिसप्लेस्ड हो सकती है। मतलब डिसप्लेस्ड होने का मतलब है इसके जो फ्रेगमेंट्स है ना वो दूर दूर चले गए, मतलब किसी और डायरेक्शन में मूव कर गए। और अनडिसप्लेस्ड फ्रैक्चर का मतलब है कि जो ये बोन जो टूटी है वो अपनी ही जगह पर बनी हुई है, ठीक है। तो इसका जो अपन ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट भी अपन इसके पैटर्न को देख के करेंगे कि जो फ्रैक्चर है वो किस तरह का फ्रैक्चर है। अगर डिसप्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसके अंदर क्या होगा, और अगर अनडिसप्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे। तो यहाँ पर है जो ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है, यूनियन नॉट प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम मेंटेनिंग प्रॉपर अलाइनमेंट। जिसका जो यूनियन होता है ना, मान लो फ्रैक्चर हो गया उसके बाद उसका यूनियन होगा, तो यूनियन में ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती, लेकिन अपन को ये देखने को मिलता है कि अपन जो फ्रैक्चर हो गया इसको अपन ट्रीट करेंगे, इसका यूनियन तो हो जाएगा लेकिन इसको अपन सही अलाइनमेंट में कैसे रखें इस फिंगर्स को। तो इसका जो प्रॉपर अलाइनमेंट में अपन को मेंटेन करने के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो अपन देखते हैं अनडिसप्लेस्ड फ्रैक्चर, मतलब जो फ्रैक्चर हुआ है वो अपनी जगह पे बना हुआ है, मतलब उसमें ज़्यादा जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके अंदर कोई डिसप्लेसमेंट नहीं हुआ है। मतलब मान लो ये कोई भी एक बोन है इसका फ्रैक्चर हुआ है तो यहाँ पर ही बना हुआ है, वो इस तरह से इधर उधर नहीं गया है, तो अपन इसको कहेंगे अनडिसप्लेस्ड फ्रैक्चर। अपन ने यहाँ पर देखा ना कि यहाँ पर इसके 2 पैटर्न्स है, डिसप्लेस्ड और एक अनडिसप्लेस्ड। तो अपन पहले देखेंगे अनडिसप्लेस्ड के बारे में। तो अनडिसप्लेस्ड को अपन यूज़ करते हैं रिलीफ ऑफ पेन के लिए। तो इसका सिंपल मेथड होता है, क्योंकि इसके अंदर जो अपन को रिड्यूस करने की तो जरूरत ही नहीं है फ्रैक्चर को, क्योंकि ये तो अपनी अलाइनमेंट में ही है। इसके ऊपर अपन प्लास्टर कास्ट वगैरह कुछ लगा देंगे, मतलब कैसे भी इसको इमोबिलाइज कर देंगे और इसका यूनियन हो जाएगा। मान लो इस तरह का फ्रैक्चर होता तो उसके अंदर अपन इसका रिडक्शन करते, तो ये सब तो अपन को करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसके ऊपर सीधा सा अपन उसका ट्रीटमेंट करना है। तो अपन क्या करेंगे, स्प्लिंटेज इज टू स्ट्रेप द इंजर्ड फिंगर टू एन एडजस्ट फिंगर फॉर 2 वीक। मतलब आप ये डायग्राम दे सकते हो, जो इंजर्ड फिंगर थी उसको दूसरी वाली जो फिंगर है उसके साथ अपन ने थोड़ा बांध दिया है। मान लो अपनी ये वाली बोन है इसके अंदर फ्रैक्चर हुआ है, तो अपन ने इस बोन को, मतलब इस फ्रैक्चर को अपने अलाइनमेंट में रखना है अपन को, क्योंकि अगर मान लो ये अपने अलाइनमेंट में नहीं रहेगी तो इसके अंदर डिफॉर्मिटी आ सकती है, माल यूनियन हो सकता है, मतलब वो गलत तरीके से जुड़ सकती है। तो इसको सही तरीके से अपन को जोड़ने के लिए इसको अपन दूसरे फिंगर के साथ इस तरह से बांध देंगे। तो अगर ये मूवमेंट कैसे होगा, ये दोनों ज़्यादा मूव कर नहीं पाएगी, दोनों फिंगर साथ में अपन बांध देंगे तो इस तरह से मूवमेंट नहीं होगा, जैसे इसमें हो रहा है ना तैसे मूवमेंट नहीं होगा, तो ये साथ में रहेगी। तो अपन इसको बांध देते हैं ताकि इसका यूनियन काफ़ी अच्छे से हो पाए। उसके बाद अपन फिंगर इमोबिलाइजेशन इज स्टार्ट। उसके बाद अपन 4-2 वीक के लिए अपन ने ये एडजस्ट कर दिया फिंगर को दूसरे फिंगर के साथ। उसके बाद अपन 2 वीक्स के बाद फिंगर इमोबिलाइजेशन इसका स्टार्ट करवा देंगे। उसके बाद आता है डिसप्लेस्ड फ्रैक्चर, ये तो हो गया अनडिसप्लेस्ड फ्रैक्चर के बारे में। ये होगा अपन अब
डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर के माने, मान लो कोई फ्रैक्चर है जो अपन ने देखा था ना यहाँ पर कि वो डिस्प्लेस्ड हो गया, तो जो डिस्प्लेस्ड हो गया इसके अंदर अपन क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो अपन इसको बांध दिया दूसरी फिंगर्स के साथ, और उसके बाद इसकी फिंगर्स की अपन मूवमेंट वगैरह करवा लेंगे। उसके बाद आता है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो इसके अंदर अपन को पहले रिडक्शन करना पड़ेगा कि जो ये फ्रैक्चर है ये इस तरह से हो गया है, दूर दूर चला गया है, तो अपन इसका रिडक्शन करेंगे, इसको वापस अपनी जगह पर लाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब ये होता है, तो अपन पहले रिड्यूस करेंगे फ्रैक्चर को मैनिपुलेशन के साथ, ओके। उसके बाद अपन इसको करेंगे इमोबिलाइज्ड कर देंगे। इमोबिलाइज्ड किस किस से करेंगे, माल इबल एल्यूमिनियम स्लिट जो होते हैं ना उसके साथ अपन इसको इमोबिलाइज कर देंगे। ये सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है ताकि वो जो फ्रैक्चर है वो अपने अलाइनमेंट में बना रहे, क्योंकि अपन इसका रिड्यूस करते हैं। अगर रिड्यूस कर दिया, अगर उसके बाद अपन उसको इमोबिलाइज नहीं किया जॉइंट को या उस फ्रैक्चर को, तो वो दोबारा डिसप्लेस्ड हो सकते हैं। तो अपन दोबारा डिसप्लेस्ड होने से बचाने के लिए उसको इमोबिलाइज कर देते हैं। तो अपन ने इसको कर दिया इमोबिलाइज कर दिया। उसके बाद अपन इसको एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे, एक्टिव एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे नॉट लेटर देन 3 वीक आफ्टर द इंजरी। तो अपन ने इमोबिलाइज किया था, तो उस टाइम जो उसका जॉइंट था वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा था। अगर मूव नहीं करेगा वो, तो उसके जो मूवमेंट्स है वो कम होते जाएंगे, फिर वो अचानक से बाद में मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस कारण से अपन को उसको एक्टिव एक्सरसाइजेस परफॉर्म करानी पड़ती है, जिस कारण से फिर वो धीरे धीरे अपने जो जॉइंट के जो रेंज ऑफ मोशन है उसको ज़्यादा बढ़ाता चला जाता है, और फिर बाद में वो अपने जॉइंट को फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव कर सकते हैं और अपने सारे वर्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर कर दिया था रिड्यूस करके फ्रैक्चर को, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर दिया, एक्टिव एक्सरसाइजेस करवा दिया, मतलब ठीक हो गया। लेकिन मान लो किसी भी कारण से जो रिड्यूस कर रहे थे अपन फ्रैक्चर को, वो नहीं कर हो पा रहा है, मान लो जो फ्रैक्चर को रिड्यूस कर रहे वो हो ही नहीं पा रहा है, या फिर हो गया तो गलत तरीके से हो रहा है, तो इन सब से बचने के लिए अपन, मान लो ये नहीं हो पा रहा है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन उसका करवाएंगे ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन अपन करवाएंगे। मान ये तो अपन कर रहे थे मैनिपुलेशन के साथ, मतलब बिना ऑपरेशन के मेथड अपन यूज़ कर रहे थे, जिसको अपन कहते हैं कंजर्वेटिव मेथड। तो अपन यहाँ पर आएगा वो ऑपरेटिव मेथड, क्योंकि कंजर्वेटिव मेथड से नहीं हो पा रहा है तो अपन ऑपरेटिव मेथड यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर ओपन रिडक्शन करेंगे, मतलब जो पार्ट जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसको ओपन करेंगे, उसके बाद उनका रिडक्शन करेंगे सर्जिकल प्रोसीजर से। उसके बाद उसको वो अपन ने कर दिया ओपन रिडक्शन, अगर वो अपन ने रिडक्शन कर दिया, अगर वो दोबारा डिसप्लेस्ड हो गया तो अपन क्या करेंगे, तो से बचने के लिए अपन यहाँ पर इंटरनल फिक्सेशन यूज करते हैं, जिसके अंदर अपन के वायर को लगा देते हैं, ताकि अपन के वायर लगा देंगे तो जो अपन ने ओपन रिडक्शन किया ना वो दोबारा डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। तो अपन ने के वायर यूज कर लिया। अगर मान लो कम्युनेटेड फ्रैक्चर है टिप ऑफ द डोर्सल फेलेंजियस का, मतलब जो टिप ऑफ द डिस्टल फेलेंजियस अपन देखा ना, मान लो यहाँ का जो कोई फ्रैक्चर है कम्युनेटेड फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर का मतलब होता है ये एक फ्रैक्चर है जिसके अंदर इस तरह से फ्रेगमेंट है 2-3, तो उसे अपन कह रहे थे कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो इसके अंदर अपन को कोई नॉट नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, तो इसके अंदर अपन को स्पेशल ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी के अंदर आता है एक मेलेट फिंगर, बेसबॉल फिंगर, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।